तो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो, जैसे कि आपको पता होगा, हमने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि हमारी कार का एसी में दिक्कत है तो हमने उसकी गैस बदलवाई थी। सो अब आपकी आज की वीडियो में आपको बताने वाले कि हमारी जैसे हमारी गाड़ी की एसी में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, कूलिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा था। सो इस चक्कर में हमने इसका कंप्रेसर भी चेंज कराया है। तो पहले आपको इसका ओरिजिनल कंप्रेसर दिखाता हूँ कि इसका ओरिजिनल कंप्रेसर कौन सा था, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज कराया, क्या डिफरेंस है और क्या फ़र्क पड़ा है और क्यों इनके कंप्रेसर ख़राब होते हैं, सब कुछ बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये अपनी कार का ओरिजिनल कंप्रेसर जैसा आप देख सकते हैं। सो इसमें और जो हमने लगवाया उसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। ये है क्लचलेस, इसमें कोई क्लच वगैरह नहीं है, ये सिर्फ चलते रहता है। और ये टेम्परेचर को जो है, ये मतलब बेसिकली क्या होता है, वाले जो कंप्रेसर होते हैं कट नहीं मारते हैं। तो हमारे में क्या दिक्कत होती है, बार बार ऑटो कट मार रहा था और उसमें उससे क्या हो रहा था, ठंडक ही नहीं कर रहा था। 16 डिग्री पे भी अगर हम चला रहे थे तो वो प्रॉपर्ली ठंडक हो ही नहीं पा रही थी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि हम और भी गाड़ियां ऑन करते हैं तो उस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि इसका एसी बिल्कुल भी अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ पे इसकी वायरिंग वगैरह है और ये पाइप है, यहाँ से इनलेट आउटलेट पाइप्स होते हैं। ठीक है, अब आपको एक बार दिखाया तो हमने इसमें लगवाया कौन सा है। तो गाइस, ये है नीचे जो आपको कंप्रेसर दिख रहा है, सबसे नीचे वो है हमारा कंप्रेसर। और मैं आपको बताऊँ तो ये हमारी वेंटो का कंप्रेसर है। अब आप सोचेंगे कि हमने वेंटो का कंप्रेसर इसमें कैसे फिक्स कर दिया। सो क्या होता है कि अगर हम इसी का कोई सेकेंड हैंड कंप्रेसर लेते या फिर नया लेते तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और सेकेंड हैंड कंप्रेसर आपको बताता हूँ कि इनके जो जैसे स्कोडा लोरा के जो कंप्रेसर है वो काफ़ी वीक माने जाते हैं मार्केट में, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमने लोरा के कंप्रेसर को ऑप्ट ना करके हमने वेंटो का कंप्रेसर ऑप्ट किया, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये भी हमने बाय द वे सेकेंड हैंड ही लिया है, जैसे आपको दिख रहा होगा कंडीशन प्रॉपर फाइन वर्किंग है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वायरिंग थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि ये क्लच वाला है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में ये क्लच वाला कंप्रेसर है, तो इसकी वायरिंग थोड़ी सी अलग जाती है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये यहाँ ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, इसकी रिले है। ठीक है, तो ये रिले वाला है। और इसमें क्या होता है कि हाँ, अभी स्टार्ट भी करके दिखाएंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे अब एसी ऑन करते हैं तो कट करके आवाज़ आती है एकदम से, तो ये वाला है जैसे थोड़ी पुरानी गाड़ी में आता था। अब आजकल मोस्टली क्या हो रहा है, विदाउट क्लच वाले कंप्रेसर्स आ रहे हैं तो उनमें थोड़ी दिक्कत अगर आ जाए तो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसलिए हमने ये वाला लगवाया, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है। सो अब आपको एक बार दिखाता हूँ मैं, ये जो कट वाली आवाज़ में कह रहा हूँ कैसे आती है। तो ए सी अब हमारी कार ऑन हो चुकी है, ये देखो एक कट करके आवाज़ आई, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है। और आपको दिख रहा होगा हमारा कंप्रेसर घूम रहा है नीचे। अब हमारी कार जो है एयर कंडीशनिंग इसकी चालू हो चुकी है। अब इसमें क्या है कि हमने इसमें कट वगैरह सब बंद कर रखा है, तो क्या होता है कि इसमें हम कट नहीं होता है जल्दी से। उस वाले जो हमारे कंप्रेसर में दिक्कत ये हो रही थी, एक तो कूलिंग नहीं कर रहा था, उसमें जानी नहीं थी, जो प्रेशर बनाना चाहिए वो प्रेशर नहीं बना पा रहा था। आपको एक बार दिखा देते हैं कि कंप्रेसर प्रेशर कैसे बनाना चाहिए। गाइस, फिलहाल तो हमने इसमें लगा दिया, तो हम आपको इसमें वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे कि प्रेशर कैसे बनता है, बट हमारे पास एक वीडियो है जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो वो आप चेकआउट करें कि प्रेशर कैसे बनता है और कैसे चेक करना चाहिए हमें कंप्रेसर को, तब आपको पता चलेगा। हम जो हमारा क्लचलेस वाला होता है उसमें हम ऐसे नहीं बता सकते कि कैसे हमारा प्रेशर बनाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ऐसे प्रेशर बनाना चाहिए, आवाज आ रही है लगातार आन की, यहाँ से गैस निकलती है इसकी, यहाँ से इधर से अभी बना रहा है। तो गाइस, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमने सेकेंड हैंड कंप्रेसर लिया और नया क्यों नहीं लिया। तो नया भी ले सकते थे, नया कुछ 8 से 9 हज़ार रुपये का नया कंप्रेसर था इसका, और वेंटो का। और हमने सेकेंड हैंड कंप्रेसर कुछ 3 से 4 हज़ार रुपये में लिया है, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में था, इसीलिए हमें 3-4 हज़ार का पड़ा है, इसीलिए हमने लिया है। अदरवाइज़ हम नया ही ऑर्डर कर रहे थे पहले, बट नए में थोड़ी वही आपको पता है एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो इसलिए हमने सेकेंड हैंड ही परचेज़ कर लिया है। बाकी एसी में कोई दिक्कत नहीं है, कभी कट नहीं मारता, कोई दिक्कत नहीं आती है, एकदम बढ़िया चलता है, अच्छी कूलिंग करता है। बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि हमने रिपेयर कहाँ से कराया, तो वासन मोटर से हमने रिपेयर कराया है, देहरादून में जो लोकेटेड है प्रिंस चौक पे, तो उनसे हमने रिपेयर कराया। हमारी कार का मोस्टली काम जो है वहीं पे होता है सारा, सो हम वहीं से कराते हैं, क्योंकि उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो काफ़ी बढ़िया है, तो इसलिए हम वहीं से कराते हैं। बाकी आप देख सकते हैं जैसे वायरिंग वगैरह जा रही है, जैसे नोटिस कर सकते हैं,
बाकी हाँ एक बार इसमें दिक्कत आई थी थोड़ी सी एसी में, जब हमने सही करा लिया था एक बार इसकी रिले ख़राब हो गई थी, वो हमने रिले उनसे ही चेंज करा ली थी, तो तब से लगभग एक महीना हो गया हमें सब चेंज कराए हुए, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है यार। बाई चांस अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो हम वीडियो बना के ज़रूर शेयर करेंगे। गाड़ी लॉन्ग रूट पे भी जा चुकी तो कोई दिक्कत, हाँ कार में। बाकी गाड़ी हम 200-400 किलोमीटर के लॉन्ग रूट पे ले जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक, बढ़िया रही है। सो गाइस अब एक और बात बताता हूँ कि जैसे जो कंप्रेसर है ये वेंटो का 1948 है इसका नंबर, जो पेट्रोल वेंटो का कंप्रेसर है। सो अगर आप भी कभी इस कार में कंप्रेसर चेंज करा रहे हैं तो हमेशा यही चेंज कराना कि पेट्रोल वेंटो का 1948, वेंटो का हो पोलो का हो बोथ आर द सेम, बट अगर आपको किसी सुपर्ब का या फिर जेटा इन सब गाड़ियों का मिल रहा तो मेरे हिसाब से उनको अवॉइड ही करना। और अगर आपको मैं एक नए उसकी कंप्रेसर की कॉस्ट बताता हूँ, जो क्लचलेस वाला होता है जिसका ओरिजिनल है, उसकी कॉस्ट अराउंड 40-50,000 है। सो मेरे हिसाब से वो वर्थ नहीं है क्योंकि वो थोड़े वीक भी हैं, तो इसलिए हमने इस पर ऑप्ट किया और ये बेटर वर्क करते हैं। सो यही था इस कंप्रेसर के लिए, बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप बताना हमें उसमें कमेंट बॉक्स में, हम आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेंगे। गाइस एक और चीज़ कि हमने जो इसमें लगवाया है वो हमारा डीजल का लगा हुआ है, डीजल वेंटो का है, लेकिन आपको अगर लगवाना हो तो अगर और बेटर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए जो है आपका वेंटो पेट्रोल का लगवाना तो और बेटर रिजल्ट आएगा, हमको मिल नहीं पाया था तो इसलिए हमने ये वाला लगवा लिया। सो बस और कॉस्टिंग मैंने आपको जैसे बताई दी है, कॉस्टिंग लगभग 4,000 के आसपास आपको मिल जाएगा यूज्ड, और नया इसका लगभग 10,000 रुपये के आसपास आता है, 10-12,000 के आसपास, और दिल्ली से अगर आप मंगाते हैं दिल्ली से 8-9,000 रुपये का मिल जाएगा आपको। बाकी यही था आज की वीडियो के लिए, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में।